हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिल्पा। और कैसे हैं आप सब लोग? आज का वीडियो होने जा रहा है व्हाट्स इन माय बैग। छोटा सा बैग है, कोई बड़ा बैग नहीं है। मींस कि जैसे हम ट्रैवल करते हुए कहीं जाते हैं एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, या कितने भी दिन के लिए। फ़िलहाल मैं दो दिन के लिए जा रही हूँ, तो फिर मेरा जो ज़रूरी सामान है वो इस बैग में है, बाकी कपड़े वगैरह दूसरे बैग में। लेकिन मैं अपने साथ क्या ले जाना प्रीफर करती हूँ और आपको भी क्या ले जाना चाहिए, तो वो मैं आज बताऊंगी इस वीडियो में। और इसमें आपको कुछ अनोखी चीज़ें भी मिलेंगी अलग से, जो आपने कभी देखी नहीं, मतलब देखी होंगी लेकिन ऐसे किसी के वीडियो में नहीं दिखा होगा कि कोई शेयर कर रहा है कि मैं ये भी साथ ले जाती हूँ। पर मैं आज शेयर करूंगी और क्यों ले जाती हूँ ये भी शेयर करूंगी। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम जाते हैं तो कुछ तो बेसिक चीज़ें होती है, टूथब्रश हो गया और टूथपेस्ट वगैरह, ये तो सबको पता है कि ले जाना चाहिए। और जैसे फेस वॉश, ये तो बेसिक चीज़ें होती है। इनके अलावा और क्या चीज़ें होती है जो मैं ले जाना प्रीफर करती हूँ और ऑफ कोर्स हर बार ले जाती हूँ? मेरा सामान, मेरा बैग भी भारी हो जाता है इस चक्कर में। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, जैसे हमें नहाना होता है तो नहाने के लिए, अब ये है कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर हम किसी के घर भी जा रहे हैं तो बहुत बार हमें सही नहीं लगता है किसी का सोप यूज़ करना, या होटल्स में भी रहते हैं तो ज़रूरी नहीं वहाँ पे आपको कि बॉडी वॉश ही मिले, क्या पता सोप मिले। तो जो भी है तो मैं प्रीफर करती हूँ अपना शावर जेल। तो यह है मेरे पास गुड वाइब्स का लेवेंडर सूदिंग शावर जेल, बहुत अच्छी खुशबू होती है और बहुत ही सॉफ्ट होता है, मतलब अच्छा है यूज़ करना, तो मैं ये ले जाती हूँ। तो अच्छा है, ये छोटा सा भी है, ट्रैवल फ्रेंडली है। और इसके बाद होता है, जैसे अब समर्स हैं तो समर्स में हम कहीं जा रहे हैं तो डियो वगैरह लोग लगाते हैं, लेकिन मैं डियो लगाना प्रीफर नहीं करती हूँ। मैं लगाती हूँ ये डियोड्रेंट, ये निविया डियोड्रेंट वाइटनिंग स्मूथ स्किन, मतलब अंडर आर्म्स के लिए होता है, तो ये काफ़ी सही होता है। मतलब स्मेल इसकी कोई ज़्यादा होती नहीं है, बस हल्की सी होती है, तो इसे रोल करना होता है अपने अंडर आर्म्स में, ये तो सबको पता है, तो मैं ये ही प्रीफर करती हूँ लगाना। और फेस वॉश तो सबको पता है कि लोग ले जाते ही हैं साथ में। तो इसके अलावा मैं ले जा रही हूँ यहाँ पे अपना टोनर, कि टोनर भी ज़रूरी है, समर्स हैं, पसीना आएगा, फेस क्लीन करने के लिए फेस वॉश के बाद बहुत ज़रूरी है टोनर, सबको पता है। तो ये मैंने घर पे ही बनाया है, तो ये मेरा ACV टोनर है, एप्पल सीडर विनेगर। इसकी रेसिपी मैं कभी और टाइम शेयर कर लूँगी। तो ये मेरा टोनर है। और इसके अलावा अब ये मेरे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, और अब समर्स है, पसीना ज़्यादा आएगा तो पोर्स भी ज़्यादा ओपन हो जाएंगी, तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वोनसोल का विच हेज़ल। तो नया लिया है मैंने क्योंकि बीच में ख़त्म हो गया था, तो फिर मुझे लगा ये ज़्यादा सही काम करता है, तो मैंने फिर से ले लिया है। तो ये मैं लगाती हूँ टोनर के बाद स्प्रे करती हूँ अपनी स्किन पर। और फिर आती है यहाँ पे सीरम, तो जेल मेरे पे बड़ा डब्बा है, मैं उसे ले जा नहीं सकती, तो मेरा सीरम है, ये मेरी हेल्प करेगा अगर मैं समर से, अगर मैं क्रीम ना भी लगाना चाहूँ कि ऑयल स्किन है तो मुझे उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये मेरा बायोटिक का सीरम है ऑलरेडी, मतलब मुझे बहुत पसंद है और मैं ऑलरेडी इसका रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, तो ये सीरम है। और हाँ, साथ में मैं ले जा रही हूँ टर्मरिक एसेंशियल ऑयल, ये गुड वाइब्स का है, तो मतलब अब अगर मुझे लगता है ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत है तो मैं इसके साथ एक ड्रॉप ये मिला लूँगी और लगा लूँगी, मेरा सीरम का भी काम कर लेगा और मेरी क्रीम का भी काम कर लेगा, मतलब एज मॉइस्चराइज़र काम कर लेगा। और इसके बाद अब बारी आती है सनस्क्रीन, बहुत ज़रूरी है, समर्स है तो मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है न्यूट्रीजीना का। तो ये मेरा बड़ा पैक है, तो छोटा पैक मैं ऑलरेडी बैग में डाल चुकी, इसमें नहीं हो और सामान के साथ मिक्स हो गया है, तो मैं न्यूट्रीजीना का सनस्क्रीन ले जा रही हूँ। ये बड़ा है 88 ml का, वो छोटा पैक आता है 30 ml का होता है शायद, 20 या 30 ml का, वो ले जाऊँगी। और मैं एक और रख रही हूँ लैक्मे सन एक्सपर्ट, ये मेरे आर्म्स के लिए, नेक के लिए, मतलब हाथों के लिए, पैरों के लिए, जो भी है, एक एक्स्ट्रा ये छोटा बॉटल है, तो ये काम करेगा, मतलब उसके साथ ये भी काम करेगा, और कि बॉडी लोशन का भी काम कर लेगा साथ में, इसलिए अलग से बॉडी लोशन की ज़रूरत नहीं है। और फिर ले जा रही हूँ मैं यहाँ पे हेयर सीरम, और कॉम तो ऑलरेडी सबको पता है रखना ही होता है, तो हेयर सीरम ये छोटा सा लिवॉन का 20 ml का है, तो मैं ले जा रही हूँ इसे। और हाँ, अब सोते हुए, अब नई जगह जाओगे, सोओगे होटल में, सोओगे या किसी रिलेटिव के घर भी सोओगे, तो ज़रूरी नहीं हमें अच्छी नींद आए, तो इसके लिए मैं हेल्प लेती हूँ अपना लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की, बहुत अच्छी खुशबू होती है, सूदिंग इफेक्ट होता है और माइंड को कूल करता है और अच्छी नींद लाता है। अगर हम रात के टाइम इसे अपने पिलो में थोड़ा छिड़क दें या कुछ ओढ़ रहे हो उसमें छिड़क दो, तो अच्छी स्मेल
आती रहेगी और हमारा माइंड काम होएगा और हमें अच्छी नींद आएगी, तो इसलिए मैं ये लेके जा रही हूँ, छोटा सा है 10 ml का, तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ भारी हो जाएगा मेरा बैग। और ये निविया का लिप बाम है, ये अब नए लॉन्च हुए हैं, रेड कलर में है। हाँ, लिप बाम भी बहुत ज़रूरी होता है, अब इसमें रेड कलर है तो मुझे लिपस्टिक लगा ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा 2-in-1 काम हो गया। और वैसे भी मैं घूमने के लिए जा रही हूँ, तो कोई शादी पार्टी ऐसे जगह डेस्टिनेशन वेडिंग में नहीं जा रही हूँ, इसलिए वो मेरा काम कर लेगा। और इसके अलावा जो चीज़ें हम मतलब मैं अलग से ले जा रही हूँ, जो शायद आपने किसी और के बैग में नहीं देखी होगी, तो मैं शुरू करती हूँ। ये मतलब मेडिसिन टाइप चीज़ें हैं, तो मतलब ऐसी कोई बड़ी मेडिसिन नहीं है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ होम्योपैथी मेडिसिन, तो ये है नक्स वोमिका। अब ये हम बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और कुछ भी उटपटांग खा लेंगे, तो उससे पहले खाने से पहले ये लेना पड़ता है। होम्योपैथिक मेडिसिन है, 2 से 3 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में डालो तो सही काम करता है, इससे मुझे गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे बहुतों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, जैसे धूप में जाओ या फिर धूल मिट्टी ऐसे पोल्यूशन के कारण, मतलब किसी की नाक बहने लगती है या किसी का गला ख़राब हो जाता है या कुछ और चीज़ें हो जाती है, तो उसके लिए होम्योपैथी की ही मेडिसिन है, एलर्जी के लिए ये एलर एड करके है, ये तो ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। ये है स्नीजिंग के लिए, वाटरी आइज, बॉडी एक विथ एलर्जीज़, मतलब बॉडी में जैसे पेन हो रहा है और कुछ एलर्जी भी हो जाए, जैसे गले की एलर्जी, नाक की एलर्जी या किसी भी टाइप की, तो उसके लिए वो अच्छा काम करता है। तो मैं इन दोनों को अपने साथ ज़रूर ले जाऊंगी। और हाँ, इनके अलावा मैं ले जाना प्रीफर करती हूँ, अब ये है कि किसी को हो जाती है जैसे मोशन सिकनेस बोलते हैं, मतलब वॉमिटिंग वगैरह, तो मैं अपने पास ये एवोमिन ज़रूर रखती हूँ, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा अब ये है कि घूमो फिरो, धूप में घूमोगे फिरोगे, क्या पता कब किसी को कुछ हो जाए, जैसे फीवर हो जाता है या कुछ भी, तो उसके लिए मेरे पास है पैरासीटामोल की, मतलब ये ऐसा नहीं है कि लेना ही लेना है, अगर बाई चांस किसी के लिए हो, ये एज़ अ प्रिकॉशन है, मैं एज अ प्रिवेंशन मैं यूज़ कर रही हूँ। ये जो मेरी होम्योपैथी मेडिसिन है, जो मैं लूँगी ही, डेली ही लूँगी, और उसके अलावा अगर कुछ हो जाता है तो फिर अब ये यूज़ करना पड़ेगा मुझे, अगर फीवर हो गया किसी को दे दूँगी। और इसके अलावा तो और कोई मेडिसिन, हाँ बाई चांस ज़्यादा मुझे या किसी को भी एसिडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके लिए मैं रखती हूँ ऐसी लॉग, ये डेली नहीं यूज़ करनी चाहिए, लेकिन बाई चांस आप बाहर हो एकदम से बीमार पड़ जाओगे, कहाँ जाओगे, तो ये ले सकते हैं, मतलब प्रिवेंशन के लिए ले सकते हैं, तो ठीक है। अब जैसे समर सीज़न में जा रही हूँ बाहर, तो मैं अपने साथ रख रही हूँ ये ग्लूकॉन डी, शायद आपने किसी और को देखा नहीं होगा रखते हुए, लेकिन मैं रख रही हूँ क्योंकि गर्मी है, बाहर घूमेंगे तो ग्लूकोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हमारा शरीर ठंडा भी रहे और हमें एनर्जी मिलती रहे, तो मैं इसलिए मैं छोटा पैक लेके आई स्पेशली, ये मैं अपने पानी में मिक्स करूँगी और पीऊँगी दिन भर। मेरा कम्प्लीट हो चुका है ये वीडियो, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और मतलब इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा मेरा वीडियो, तो अगर आपको पसंद आया तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।